जो चीज़ हमने स्टडी करनी है दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो कि हम पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर हमने एक टाइप देखी थी जिसके अंदर सॉलिड डिसॉल्व था सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, और सॉलिड हमारा सॉल्यूट था और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड था। ये हमारा पिछला टॉपिक था जिसके अंदर हमने लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व किया था और उसकी केमिस्ट्री पढ़ी थी। अब हम इस टॉपिक के अंदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की अगली जो उनसी टाइप्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। आज का टॉपिक हमारा मज़ीद उन टाइप्स की तरफ होगा जो इनको अभी हमने स्टडी करना है, और वो है जी कि सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, लिक्विड होंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक, हम अपने घर में क्या करते हैं, रूह अफज़ा नामी एक शरबत बनाते हैं, या फिर आप सिंपल इसको देखें लेमनेड जो हम बनाते हैं जिसको हम लेमू पानी कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास सॉल्वेंट होता है वाटर, और इसके अंदर आप ऐड करते हैं लेमन का जूस। जो लेमन को आप स्क्वीज करें तो जो ड्रॉप्स निकलते हैं वो भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड है। तो लेमनेड इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। इसी तरह आप अपने घर में कोई भी शरबत तैयार करते हैं तो वो बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड्स का सॉल्यूशन होता है। तो ये तो होगी इसकी टाइप्स। अब हम देखते हैं कि कितनी जौन सी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जौन सी हैं वो बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली टाइप है जी कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। कोई दो ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में कंप्लीटली मिसिबल हों, उनकी जितनी मर्जी प्रोपोर्शन आप एक दूसरे में मिक्स कर दें वो एक दूसरे के अंदर पूरी तरह जो उनसे हैं वो मिक्स हो जाएं, कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन होगा। बट उसकी कौन सी टाइप होगी, कंप्लीटली मिसिबल। मिसिबल का मतलब है कि वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, और कम्प्लीटली का मतलब है कि किसी भी प्रोपोर्शन में आप ऐड कर दें, एक जितना भी कम हो एक जितना भी ज़्यादा हो ये आपस में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अगर आपके पास अल्कोहल है और इसको आपने वाटर के अंदर ऐड कर दिया है तो जितना मर्ज़ी वाटर ले लें जितनी मर्ज़ी अल्कोहल ले लें, दे आर कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, ये एक दूसरे के अंदर पूरी तरह जो उनसा है वो मिक्स हो जाएंगे। या फिर अगर आपने अल्कोहल को ईथर के साथ मिक्स कर दिया है तो दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, के अल्कोहल तमाम का तमाम ईथर के अंदर और ईथर तमाम का तमाम अल्कोहल के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इनकी प्रॉपर्टी होती है जी एडिटिव प्रॉपर्टी, आप दोनों को ऐड करी जाएँ इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन वो आपकी बुक में एक बात मेंशन कर रहा है कि वॉल्यूम नॉर्मली डिक्रीज होता है जब दो लिक्विड्स आपस में कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, तो उनके वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज आता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं और वॉल्यूम ओवरऑल कम हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड। तभी हमने लेमनेड की बात की, तो आप जो लेमन जूस जो है वो वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो आप उसको सेपरेट दोबारा नहीं कर सकते, दे आर कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, वो एक दूसरे के अंदर जो उनसे हैं वो मिक्स हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इफ़ आई वॉन्ट टू सेपरेट द टू लिक्विड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बहुत ही कीमती, या चले हम कहते हैं जी कि मेरे पास अल्कोहल है और साथ मेरे पास वाटर है, और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, इनका एक सॉल्यूशन बन गया, लेकिन किसी वजह से, या सपोज़ करें अल्कोहल की बजाय कोई और कीमती आपका लिक्विड था, कोई बहुत एक्सपेंसिव लिक्विड था, कोई बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल था जो कि गलती से वाटर के अंदर मिक्स हो गया, और अब आपको
वो उसका सोल्यूशन बन चुका है एंड नाउ यू वॉन्ट टू सेपरेट देम, आपको उन्हें अलहदा करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स का जो सोल्यूशन होंगे उनकी सेपरेशन कैसे होगी, यहाँ पर ये बात जो सी है इम्पोर्टेंट है। उनकी सेपरेशन होती है आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ ये वर्ड यूज़ किया गया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल जो सी है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जो सा है वो क्लियर हो जाए। डिस्टिलेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आप सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, एक से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स होंगे जो कि मिक्स हुए हैं उनको सेपरेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये बात आपने जो सी है इम्पोर्टेंट रखनी है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि आपकी डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई हैव दिस सिस्टम जिसके अंदर अल्कोहल है प्लस वाटर है। अब अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज हम कर लेते हैं कि आपके पास अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 फॉर एग्जांपल, और आपके पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सी। आपने अपने इस सिस्टम को लिया, इस सिस्टम को आपने बंद किया और इसको एक रास्ता दे दिया, इस तरह का अपरेटस जो है आपने वो तैयार कर दिया। अब ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो मौजूद है वो है जी वाटर प्लस अल्कोहल। अब इस वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को मुझे सेपरेट करना है तो मैं इसके नीचे इसको दूंगा हीट, मैं इसको अब गर्म करूंगा। अब गर्म करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो आपका जो RT है वो था जी 25 डिग्री सी। आपने 25 डिग्री सी पे अपने सिस्टम को रखा हुआ था, आपने अब इसको हीट करना शुरू किया। मैंने जब हीट किया तो वाटर 25 से 50 होगा, 50 से 75 होगा और 75 से 78 हो जाएगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब जब भी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो आपको पता है कि वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में चला जाता है। इसके अंदर जो मौजूद अल्कोहल का पार्ट है वो 78 डिग्री सी के ऊपर, 78 डिग्री के ऊपर वेपर बन जाएगा। ये वेपर बन के अल्कोहल के इधर सिस्टम में आएंगे, ये सिस्टम से ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये जो बाहर अरेंजमेंट की हुई है ये क्या करेगी, ये है ठंडा, इसको कर देगी ठंडा, इट इज़ कूलिंग सिस्टम। ये बेसिकली क्या है कि मैं यहाँ पे ठंडा पानी रन कर रहा हूँ या मैं यहाँ पे किसी भी सिस्टम से इसको ठंडा कर रहा हूँ, तो क्या होगा ये जो वेपर है जो कि यहाँ पर गर्म हुआ था, लिक्विड जब गर्म किया तो वेपर बना, वेपर को जब ठंडा करेंगे तो वापस लिक्विड बन जाएगा। तो ये जो वेपर था सिर्फ अल्कोहल का, क्योंकि पानी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि पानी ने बॉयल होना है 100 डिग्री सी के ऊपर, तो पानी लिक्विड ही रहेगा क्योंकि अभी टेम्परेचर 78 है, तो पानी रह गया पीछे। अल्कोहल के वेपर्स उड़ते हुए यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ था, कूलिंग सिस्टम ने उन वेपर्स को वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप मेरे पास अल्कोहल अलहदा हो गया। अब जैसे ही 78 से टेम्परेचर बढ़ के 90 के करीब जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस सिस्टम के अंदर अब अल्कोहल मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल जितना था वो 78 डिग्री सी के ऊपर सिस्टम से बाहर निकल चुका है। तो इस तरह हमने अल्कोहल को, इधर अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा और इधर हमारे पास सिर्फ वाटर रह जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। तो इस डिस्टिलेशन की मदद से हम अपने दो ऐसे लिक्विड्स को जो कि कम्प्लीटली मिसेबल हैं एक दूसरे में सेपरेट कर लेते हैं। तो ये पहली टाइप थी हमारे पास कम्प्लीटली मिसेबल लिक्विड्स की। अब हम चलते हैं आपके पास दूसरी टाइप के, अपनी दूसरी टाइप के पास जो कि दूसरी टाइप है हमारी अबाउट दी
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, एक तो पहली पड़ी कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, दूसरी है पार्शियली मिसिबल। पार्शियली मिसिबल का मतलब होता है कि दो ऐसे सॉल्यूशंस आपके पास जो कि एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, वो एक दूसरे के अंदर पार्टली मिक्स होते हैं। पार्टली मिक्स होने का मतलब है कि कुछ हिस्सा उनका उसके अंदर मिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ईथर है, ईथर को अगर मैं उठा के वाटर के अंदर डाल दूं तो 1.2% से ज़्यादा ईथर इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये इसकी लिमिट है। तो ये चूंकि कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये कम्प्लीटली उससे अलहदा भी नहीं रहा, 1.2% डिसॉल्व हो गया, तो हम कहते हैं ये पार्शियली मिसिबल हैं, ये कुछ हद तक एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके उल्टी बात करें, हम वाटर को ईथर में डिसॉल्व करें तो उसकी परसेंटेज कुछ और होगी। तो ये हमारे पास बात आ गई कि पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का मतलब है कि वो एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, पार्शियली जो है वो मिक्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, या जब भी हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं जो कि पार्शियली मिसिबल होती हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास दो लेयर्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास एक फ्लास्क है, या बल्कि हम इसको सिंपली पुट एक बीकर लेते हैं, दिस इज़ अ बीकर, इसके अंदर मैंने ईथर डाल दिया और इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया। अब इनमें से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डेंसिटी जो है वो वाली लेयर जो होती है वो नीचे आ जाएगी, एक लेयर ये बन जाएगी, एक लेयर ये बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड आपस में थोड़े बहुत मिक्स होते हैं, ये पार्शियली मिक्स होते हैं, तो आपके पास एक लेयर बन जाएगी एक की, फॉर एग्जांपल दिस इज ईथर एंड दिस इज वाटर। क्यों? क्योंकि ये दे आर आपस में पार्टली मिसिबल है। अब क्या होगा, इन दो लेयर्स का मतलब क्या है, इस लेयर का मतलब ये है कि अगर ये वाटर की लेयर है तो इसके अंदर 1.2% ईथर मौजूद है, जितना उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, और अगर ये लेयर ईथर की है तो इसके अंदर वाटर डिसॉल्व होगा जितने भी परसेंट वो डिसॉल्व होता है। तो इससे पता ये चला कि ईच लेयर इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अदर। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको अगर हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता है कि आपके पास मजीद सॉल्यूट जब ऐड ना हो सकता हो। मैं एक ग्लास लेता हूँ पानी का, उसके अंदर मैं नमक डाल देता हूँ 50 ग्राम, तो ये इसके अंदर हो जाएगा डिसॉल्व। फिर मैं मज़ीद 20 ग्राम इसके अंदर डिसॉल्व डालूंगा तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये क्या करेगा, इसके नीचे बैठ जाएगा 20 ग्राम। तो 50 ग्राम जब मैंने इसके अंदर ऐड किया तो उसके बाद इस पानी के अंदर मज़ीद ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को लेने की जगह नहीं रही, तो मैं कहूँगा जी मेरे पास सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। सिमिलरली आपके पास दो लेयर्स बनी, लेयर वन एंड लेयर टू। लेयर वन के अंदर ईथर की लेयर है जिसके अंदर आपके पास वाटर डिसॉल्व है, और लेयर टू वाटर की लेयर है जिसके अंदर आपके पास ईथर डिसॉल्व है, क्योंकि आपने दोनों को मिक्स किया था। तो अगर मैं कहता हूँ कि वाटर के अंदर ईथर जो है वो 2% डिसॉल्व हो सकता है, तो ये वाटर के अंदर 2% ईथर मौजूद होगा इस लेयर के अंदर, तो मैं कहूँगा जी ये लेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसका, ईथर का, पानी के अंदर। और इस लेयर के अंदर जो है ईथर की लेयर है, लेकिन अगर पानी इसके अंदर 5% डिसॉल्व हो सकता था तो 5% पानी इसके अंदर होगा, तो आई विल से कि दिस इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर इन ईथर। तो वो यही बात कह रहा है कि दिस इज़ कॉल्ड द ईच लेयर इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द अदर लिक्विड, और इन दोनों को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सोल्यूशंस, कि वो चीज़ उसमें डिजोल्व है और वो चीज़ उसमें डिजोल्व है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। अब इसकी कई सारी एग्जांपल हैं, और टिपिकल एग्जांपल आपके पास हैं जी फिनोल वाटर सिस्टम, कि फिनोल और वाटर
ये जो सी हैं आपस में पार्शली मिसेबल हैं। सिमिलरली आपके पास निकोटीन और वाटर का सिस्टम है, तो ये एग्जांपल के तौर पे आपको याद होने चाहिए, आपके बुक में भी मेंशन है ये। अब हम केमिस्ट्री थोड़ी सी मज़ीद डिटेल समझते हैं। एक बेसिकली डेफिनेशन को डिराइव करने की तरफ जा रहे हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम फिनोल वाटर सिस्टम को स्टडी करेंगे। फिनोल वाटर सिस्टम, दिस इज़ अ सिस्टम जिसके अंदर आपके पास पार्शली मिसिबल जो उनसे हैं लिक्विड्स वो मौजूद हैं। अब होता क्या है, वो ये कहता है कि अगर मैं इक्वल वॉल्यूम्स लूँ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर प्लस फिनॉल, फिनॉल होती है आपके पास C6H5OH। अब अगर मेरे पास वाटर के और फिनॉल के इक्वल सिस्टम्स मौजूद हैं, तो ये आपस में पार्शियल मिसिबिलिटी शो करेंगे। अब होगा क्या कि अगर मैंने इनको फॉर एग्जांपल यहाँ से इसके अंदर डाला, तो यहाँ पे दो लेयर्स मेरे पास बन जाएंगी, लेयर नंबर 1 एंड लेयर नंबर 2। अब होता क्या है आपके पास कि जब रूम टेम्परेचर पे आप इसको वो करेंगे, तो होगा ये कि जो पहली लेयर है अपर लेयर, ये होगी वाटर की, जिसके अंदर क्या ऐड होगा, फिनॉल। फिनॉल अब इस केस में सोल्यूट होगा, और निचली लेयर होगी फिनॉल की, जिसके अंदर क्या ऐड होगा, वाटर, और ये वाटर इस केस में सोल्यूट होगा। अब फिनॉल की डेंसिटी चूंकि पानी से ज़्यादा होती है, तो सेकंड लेयर जो है वो नीचे जो लेयर बनेगी वो भारी वाली लेयर होगी, जाहिर सी बात है। तो आपके पास फिनॉल नीचे आएगा और वाटर की लेयर ऊपर आ जाएगी। अब ये आपका सिस्टम था 25 डिग्री C के ऊपर। 25 डिग्री C के ऊपर क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 25 डिग्री C के ऊपर आपके पास 5% फिनॉल इन वाटर बनती है और 30% वाटर इन फिनॉल बनता है। ये 25 डिग्री C के ऊपर इनकी सोल्युबिलिटी है, मतलब 25 डिग्री C के ऊपर अगर मैं पानी के अंदर फिनॉल ऐड करता हूँ, तो मेरे पास 5% सोल्यूशन बनेगा, इससे ज़्यादा फिनॉल उसके अंदर मिक्स नहीं होगी। 25 डिग्री C के ऊपर अगर मैं फिनॉल के अंदर पानी को ऐड करता हूँ, तो 30% से ज़्यादा पानी उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो सकेगा। अब ये दो लेयर हमारे पास 25 डिग्री C के ऊपर बन चुकी हैं। अब आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलुबिलिटी पे फ़र्क आता है, सोलुबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको हीट करना शुरू कर दूँगा। मैं 25 डिग्री C से अब इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना शुरू कर दूँगा। ये मेरे पास दो लेयर्स थी, लेयर 1 एंड लेयर 2। पहली लेयर मेरे पास है जी फिनॉल इन वाटर, और दूसरी मेरे पास है वाटर इन फिनॉल, मतलब वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, जिसके अंदर 5% आपके पास फिनॉल ऐड है, और यहाँ पे फिनॉल सॉल्वेंट है, जिसके अंदर वाटर 30% ऐड था मेरे पास 25 डिग्री C के ऊपर। मैंने अब इसके टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, क्या होगा, सोलुबिलिटी इंक्रीज करेगी। ऊपर वाटर मौजूद है एज अ सोलवेंट, नीचे वाटर सोल्यूट की शक्ल में मौजूद है, इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, वाटर ऊपर से नीचे मूव करेगा। जाहिर सी बात है, वाटर 30% था ना फिनॉल के अंदर 25 डिग्री C के ऊपर, मैं 25 डिग्री C से इसको 50 पे ले गया, तो जैसे ही 50 पे जाएगा ये 30 से 40% होगी, 30 से 50% होगी, तो 40% होने के लिए वाटर मजीद ऐड होगा ना, तभी तो ये इसकी परसेंटेज बढ़ेगी, तो जो वाटर मजीद ऐड होना है वो ऊपर वाली लेयर से नीचे आएगा। सिमिलरली ये 5% से बढ़ के अगर 10% पे जाएगी 50 डिग्री C के ऊपर, तो 10% का मतलब है कि अब उस पानी के अंदर फिनॉल 10% है, तो निचली लेयर से फिनॉल जो है वो ऊपर ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपके पास ये परसेंटेजेस ऑफ सोलुबिलिटी जो सी है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको हम कॉन्सुलेट टेम्परेचर कहते हैं, या जिसको समझने के लिए हम ये सारी बहस यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं,
कॉन्सुलेट टेम्परेचर फिनोल वाटर सिस्टम का ऐसा आएगा कि 65.9 डिग्री सी के ऊपर जब आप पहुँचेंगे तो आपके पास ये जोन सा सिस्टम था जिसके अंदर दो लेयर सेपरेट सेपरेट मौजूद थी जिनको आप देख सकते थे, अब वो लेयर आपस में मिक्स हो जाएंगी, अब वो लेयर आपको नज़र नहीं आएंगी। 65.9 डिग्री सी के ऊपर होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, किसका? फिनोल का और वाटर का। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने डेवलप करना था कि जब भी दो पार्शियली इमिसिबल लिक्विड आपस में ऐड होते हैं तो उनका एक कॉन्सुलेट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके होमोजेनियस जोन से हैं मिक्सचर आपको डेवलप होके मिल जाता है। तो ये जो टेम्परेचर होगा इसके ऊपर परसेंटेजेस क्या होंगी कि इस पूरे सिस्टम के अंदर अब हमारे पास 34% फिनोल होगी और 66% वाटर होगा और ये हमारे पास एक होमोजेनस मिक्सचर बनेगा। तो ये कॉन्सुलेट टेम्परेचर होता है हर दो सिस्टम के लिए। कोई भी आप ए ए और बी ले लें जो कि लिक्विड्स हैं, इनका एक कॉन्सुलेट टेम्परेचर होगा। सिमिलरली आपने इसका पढ़ लिया, अब वो कहता है जी वाटर एनिलीन सिस्टम है, अगर वाटर एलिनिन सिस्टम अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उनकी होमोजेनस मिक्सचर बनेगा 167 डिग्री सी के ऊपर, जो कि डिफरेंट है वाटर एनिलीन सिस्टम के लिए। वाटर फिनोल के लिए हमने पढ़ा जो कि 65.9 था। तो हर दो डिफरेंट लिक्विड्स के लिए ये डिफरेंट होगा। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और आखिरी टाइप के अंदर जो कि लिक्विड हैं क्या कम्प्लीटली इमिसिबल, प्रैक्टिकली इमिसिबल। जाहिर सी बात है जब दो चीज़ों को आप डिसॉल्व करेंगे, दो लिक्विड्स को आपस में मिलाएंगे, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक क्या थी कि वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं, दूसरी थी कि वो पार्शियली मिक्स हो जाएं जो कि हम पीछे पढ़ के हैं, तीसरी है कि वो कम्प्लीटली मिक्स हो ही ना, जैसे कि वाटर के अंदर आप ऑयल डाल दें तो ऑयल बिल्कुल भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा और पानी बिल्कुल भी ऑयल के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या होंगे, लिक्विड्स जो कि प्रैक्टिकली इमिसिबल हैं। इसी तरह वाटर और बेंजीन का सिस्टम है और आपके पास वाटर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का भी सिस्टम क्या है, प्रैक्टिकली इमिसिबल है। तो इसके आपको एग्जांपल्स जो हैं वो याद होनी चाहिए कि कौन सा सिस्टम आपके पास कम्प्लीटली इमिसिबल है, पार्शियली इमिसिबल है या प्रैक्टिकली इमिसिबल है। तो ये हमारी दूसरी टाइप्स थी जो कि हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टडी की कि आपके पास किस तरह की टाइप्स हो सकती हैं। इसके बाद अब हम मज़ीद जो है वो कम्प्लीटली जो है चैप्टर की एसास की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हम लॉज और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। तो दिस वाज आवर टुडेज़ टॉपिक।